अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, अब चूंकि ये ईद के बाद आपने क्लास सुनी है, तो मैंने दो सवाल होमवर्क दिए थे लेक्चर 71 में। एक मैंने स्प्रिंग 20 वाला रेलिवेंट कॉस्टिंग का सवाल दिया था, और एक आपको मैंने ऑटम 18 दिया था। तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि नहीं किए, तो मैं इसकी डिस्कशन कल कर लेता हूँ, यानी अगली क्लास में डिस्कशन कर लेता हूँ। 73 में करूँगा इंशाल्लाह। नहीं किए होंगे तो कर लें, लेकिन सवाल वो बहुत ज़बरदस्त हैं। स्प्रिंग 20 स्पेशली बहुत मजे का सवाल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था लिमिटिंग फैक्टर, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स क्या था? ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स ये था कि प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, वो जो प्रोडक्ट हमने बनाने हैं वो एक से ज्यादा हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटिंग होने की वजह से हम सारे के सारे डिमांड के मुताबिक नहीं बना सकते, तो फिर हमें उनमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, रैंकिंग करनी पड़ेगी। उस रैंकिंग का तरीका बताया था, और फिर उस रैंकिंग के बाद प्रोडक्शन प्लान बनाया था, और फिर लास्ट टाइम मैंने एक पास्ट पेपर का सवाल भी कराया था बॉक्स सेट के नाम से। चलें इसी में आगे बढ़ते हैं। जो कल वाला सवाल किया था बॉक्स सेट वाला, उसमें मशीन आर्स दिए हुए थे 1 लाख, और चूंकि दिए ही बस मशीन आवर्स थे, लेबर आवर्स तो टोटल बताए नहीं थे, तो इसलिए फिर मशीन आवर्स ही लिमिटिंग था। हो सकता है कि आपको कोई कमिटमेंट सवाल में बताई हो। कमिटमेंट से मुराद ये है, कल वाले सवाल की बात करता हूं, पेंटागॉन की कितनी डिमांड? 10,000 यूनिट्स। और इसका नंबर क्या आ रहा था? आखिरी नंबर आखिरी था। इस वजह से हम कितने यूनिट्स बना पाए थे इसके? 5,000 समथिंग। अच्छा, ये जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, ये हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना, तो हम या तो अभी 2019 के एंड पे खड़े हैं तो 20 प्लान कर रहे हैं, या 20 के शुरू शुरू में हैं और 20 प्लान कर रहे हैं, तो हम एक ईयर के शुरू में खड़े होकर इस ईयर का प्लान बना रहे हैं। हो सकता है कि जिस वक्त हम ये प्लान बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा हम 2020 के शुरू में खड़े हैं और 20 का प्लान बना रहे हैं, तो हम जिस वक्त ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसी से कुछ दिन पहले हम एक कस्टमर को वादा कर चुके हुए हैं कि आपको 2020 में 4,000 यूनिट्स हम पेंटागॉन के बेचेंगे बेचेंगे। तो अब अगर हम उसको वादा कर चुके हुए हैं, तो वो पहले पूरा करना है, जो बाकी रिसोर्सेज बचेंगे उनमें रैंकिंग करनी चाहिए, या देखेंगे रैंकिंग में अगर नंबर आया पेंटागॉन का तो कस्टमर का वादा पूरा कर लेंगे, नहीं तो उसको इनकार कर देंगे। क्या करेंगे? वादा पूरा करना पड़ेगा, तो फिर वादा पहले पूरा करना पड़ेगा। तो अगर कोई इस तरह का वादा आ जाता है या इरादा आ जाता है, इरादा भी हो सकता है। इरादा क्या हो सकता है कि हम रैंकिंग जरूर करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि 100-100 यूनिट्स तो पहले दुकानों पे बनवा के भिजवा दें, यानी तीनों प्रोडक्ट्स के 100-100 यूनिट्स तो लाजमी बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है रैंकिंग में पेंटागॉन का नंबर ही ना आता। तो मैनेजमेंट ये चाह सकती है कि हम फलाने फलाने प्रोडक्ट को मार्केट से आउट, बेशक बुरा प्रोडक्ट है लेकिन इसको मार्केट से आउट नहीं करना हमने, तो वो इरादा भी कर सकते हैं कि हमने इतने तो यूनिट्स बनाने ही बनाने फलाने फलाने प्रोडक्ट के। तो या तो वादा हो सकता है या इरादा हो सकता है। तो अगर सवाल में प्रोडक्शन के हवाले से कोई वादा या इरादा दिया हुआ है, तो
तो पहले वो वादा या इरादा पूरा करेंगे, उसके बाद रैंकिंग अप्लाई करेंगे। दोबारा सुन लें और ये लिख लें आप अपने अल्फाज में कि अगर हम ये जो प्लान बना रहे हैं इसमें अगर हमारी कोई प्रोडक्शन की सर्टेन क्वांटिटी ऑलरेडी कमिटेड है, कमिटेड क्यों हो सकती है, या तो वादा हो सकता है या इरादा हो सकता है, तो पहले हम वो कमिटमेंट पूरी करेंगे उसके बाद रैंकिंग फॉलो करेंगे। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए अगर किसी प्रोडक्ट की कोई कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट या तो वादे से हो सकती है या इरादे से हो सकती है। वादा यानी किसी का ऑर्डर हम एक्सेप्ट कर चुके, और इरादा हमने वैसे ही खुद ही डिसाइड किया है कि इतने इतने यूनिट तो फलाने फलाने प्रोडक्ट्स के बनाने ही बनाने। तो अगर कोई कमिटमेंट है प्रोडक्शन की तो पहले वो कमिटमेंट पूरी होगी उसके बाद रैंकिंग लगनी शुरू होगी। सवाल लिखे टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल, टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ, टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ 24,000, 24,000 फॉलोइंग प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, फॉलोइंग प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। ए बी सी तीन प्रोडक्ट्स हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 18, 24 और 29, 18, 24 और 29। मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट 4, 4 यानी दोबारा 4 और 5, चार, चार और पांच, ये प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद लिखें डिमांड बता दी मैंने नहीं, अब फिर मंथली डिमांड लिखें, मंथली डिमांड फोर थाउजेंड यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स और 2,000 यूनिट्स, 4,000, 5,000 और 2,000।
रिसेंटली एन ऑर्डर फॉर 500 यूनिट्स ऑफ ए, एन ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ ए हैज बीन एक्सेप्टेड. रिसेंटली अ कस्टमर्स ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ ए हैज बीन एक्सेप्टेड. रिसेंटली अ कस्टमर ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ ए हैज बीन एक्सेप्टेड. रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान. ए बी और सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 29. आर्स कितने चाहिए? 4.5. कंट्रीब्यूशन पर आर कितना हो गया? 4.5. 6. पोजीशन ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान रिक्वायर्ड है. प्रोडक्ट यूनिट्स मशीन आवर्स रिक्वायर्ड और बैलेंस कितने से टेबल स्टार्ट होगा? 24,000 से. पहले हम लोग करेंगे एज पर कमिटमेंट. ए 500 कितने घंटे लग जाएंगे? 500 कहा था क्या? 5,000 क्या? ए के यूनिट्स नहीं, 500 कहा था. 500 कमिटमेंट हमने 500 की हुई है. कितने घंटे लग जाएंगे? 4 के हिसाब से 2,000, बाकी रह जाएंगे 22,000. कमिटमेंट हो गई पूरी. इसके बाद एज पर रैंकिंग, ये फर्क पड़ेगा सवाल में, ये फर्क पड़ेगा. बी कितनी डिमांड है? 5,000. कितने घंटे लग जाएंगे? 20,000, बाकी रह जाएंगे 2,000. फिर सी, सी की डिमांड कितनी है? 2,000. हाँ, तो ये तो पूरी नहीं हो रही, तो इसको फिर हम 2,000 को 2,000 डिवाइडेड बाय 5, 400. ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान. तो अपने प्लान के अंदर पहले कमिटमेंट, उसके बाद एज पर रैंकिंग. ए का कॉलम ना भी बनाते अगर ए की रैंकिंग ऊपर आ जाती. फिर अभी तो तीसरे नंबर पे आया ना, अगर पहले नंबर पे आ जाता फिर तो कॉलम तो बनाना है, रैंकिंग तो करनी है. अच्छा, अब एक पास्ट पेपर का आसान सा सवाल आप ही कर रहे हैं. अभी ताकि फिर मैं आगे इसका सवाल मुश्किल है खुद कराता हूं, लेकिन ये एक आप और कर दें सवाल, फिर मुश्किल सवाल मैं कराता हूं. आप कर दीजिए जिनके पास पैक की बुक है, पेज 418, प्रैक्टिस क्वेश्चन 14, गैलेक्सी इंजीनियर्स.
गैलेक्सी इंजीनियर्स ऑटम 2016, जिनके पास राइस की बुक है, पेज 662, क्वेश्चन नंबर 5, गैलेक्सी इंजीनियर्स ऑटम 2016 का सवाल है ये। इस सवाल में एक प्रोडक्ट सी है जो हम बेचते नहीं हैं, वो इंटरनली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसे अगर मार्केट में बेचे तो बेचा जा सकता है, क्योंकि मार्केट में ये बिकता है 3,000 रुपए का। तो जिस तरह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, तो इसमें आपने ये 3,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। क्यों करना है ऐसा, ये अभी आपको मैंने मेक और बाय पढ़ाना है, ये उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो इसमें आपने जो कंट्रीब्यूशन लेनी है, वो जैसे ए और बी की सेल प्राइस दी हुई है ना, तो आप सी की सेल प्राइस की जगह ये 3,000 रख लें। मेक और बाय में वजह बता दूंगा आपको, बस आप अभी रख लें। तो इसमें आप प्रोडक्ट सी की सेल प्राइस पर यूनिट 3,000 को ही इज्जत दें, सेल प्राइस की तरह मान लें और ये सवाल करें। ये सवाल आप कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आगे चल रहा हूं। तो आप ये लेक्चर अभी यहीं रोकिए और ये सवाल आप करिए। चले करें, शाबाश। जी कर लिया, कोई मसला नहीं हो। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको ये 500 बताए थे, सवाल में ना ये बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये ए रैंकिंग में ऊपर भी तो आ सकता था, अभी तो आया ना आखिरी नंबर पे, हो सकता है ए पहले नंबर पे होता। तो ए की डिमांड कितनी दी हुई है, मैंने जो सवाल लिखवाया था जो बोर्ड पे है उसकी बात कर। चार हजार, तो ये जो 500 है ये उस 4,000 में शामिल है या 4,000 इसके अलावा है? क्यों जरूरी है ये जानना? अगर ए पहले नंबर पे आ जाता तो 500 तो बना लिए, तो यहां 4,000 लिखता कि 3,500 लिखता? तो आपको ये सवाल में बताया होगा कि जो आपको कमिटेड प्रोडक्शन बताई है वो एनुअल डिमांड में शामिल है या नहीं शामिल है, ये बताया होगा। इस सवाल में ए बी की एक कमिटेड प्रोडक्शन थी, तो वो जो आपको एनुअल या लोकल डिमांड दी हुई है उसमें शामिल है कि नहीं? 1,000 में 800 शामिल है कि नहीं? कहाँ लिखा है नहीं शामिल? हाँ, 1,000 लोकल है और वो एक्सपोर्ट है, तो इससे पता चल रहा है कि 1,000 और है। अदरवाइज आपको बताया जाएगा कि जो एनुअल डिमांड दी हुई है या मंथली जो भी है उसमें ये कमिटमेंट वाली शामिल है या इसके अलावा, ये क्लियरली बताया जाएगा। तो आसानी से हो गया ना? आर्ट्स बच रहे थे, मतलब हाँ तो हो सकता है बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा आप एक नोट लिखवा रहा हूं, लेकिन उस नोट को लिखवाने से पहले आपको मसला बता दूं कि नोट लिखवा क्यों रहा हूं। एक सवाल लिखें, एनुअल डिमांड, अच्छा ए और बी, ए बी बस, सी नहीं है, ए और बी, एनुअल डिमांड
3000 यूनिट्स और 4000 यूनिट्स, लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट 2 और 8, 2 और 8, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट किलोज में, केजी बताऊंगा, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट 3 किलो और 2 किलो। यार वो समीर ठंड लग रहे हैं, ये किसी बंद कर दो। लेबर आवर्स दोबारा सुन लें, 2 घंटे और 8 घंटे, और मटेरियल बताया मैंने 3 किलो और 2 किलो। चले ए और बी की इंफॉर्मेशन यही है, उसके बाद लिखिए टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल। मैंने डिमांड क्या बताई थी, एनुअल मंथली, एनुअल टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर द ईयर, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर द ईयर। थर्टी फाइव थाउजेंड, 35,000, टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर द ईयर, टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर द ईयर 17,500 किलो, 17,500 किलो। बज़ाहिर मटेरियल की भी लिमिटेड सप्लाई है और लेबर की भी लिमिटेड सप्लाई है। अब आप ढूंढें कि इनमें से लिमिटिंग फैक्टर वाकई कौन सा है, ढूंढें। हाँ जी, क्या लिमिटिंग,
दोनों क्या सेम है? क्या मतलब है सेम है? अच्छा लेबर आवर्स कितने चाहिए होंगे? ए बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं और ए बनाने कितने डिमांड कितनी है? 6,000। बी के कितनी डिमांड है? 4,000। एक के लिए कितने घंटे लगते हैं? 32,000। अवेलेबल कितने? 35। मटेरियल ए के हम अगर 3,000 यूनिट्स बनाते हैं तो एक के लिए कितने किलो चाहिए? 9,000 किलो। बी के अगर हम लोग 4,000 बनाते हैं तो एक के लिए कितने किलो चाहिए? 2,000, 8,000। कितने किलो चाहिए? 17,000। कितने किलो अवेलेबल हैं? 17। फिर लेबर लिमिटिंग है, जितने चाहिए उतने हैं, जितने चाहिए उतने नहीं है। ये जो इस सवाल से सिखाया, इसको एक हेडिंग में लिख देता हूं मैं। ये जो मसला है ना इस वक्त, इसको मैं कह देता हूं कि इफ मल्टीपल फैक्टर्स आर अपेरेंटली रिस्ट्रिक्टेड एज गिवन इन क्वेश्चन, देन फाइंड द लिमिटिंग फैक्टर बाय कंपेयरिंग इट्स अवेलेबिलिटी विद रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर मीटिंग द प्रोडक्ट डिमांड। अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स अपेरेंटली लगता है कि ये तो लिमिटेड है, सवाल दिया हुआ है, तो फिर आप लिमिटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे कैसे? कंपेयर करेंगे कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है और चाहिए कितना। आप इनको कंपेयर करके फाइंड करेंगे।
हाँ जी नोटेड। अब इससे आगे करना क्या है, यानी ये सब बताया क्यों? अगर तो जैसे मैंने यहां सामने किया हुआ है कि ये ठीक है, ये लिमिटिंग है, तो बस ठीक है, अब ये नॉर्मल सवाल है। लेकिन अगर ये भी अब क्या करते हैं, लेबर भी लिमिटिंग है, ये भी लिमिटिंग है, तो अब क्या करते? यानी अगर मल्टीपल लिमिटिंग नजर आ जाएं, तो फिर क्या हल है? इसी से आगे, इफ मल्टीपल फैक्टर्स आर लिमिटिंग देन फाइंड द रियल लिमिटिंग फैक्टर एज फॉलोज। तो फिर हमें असली वाला लिमिटिंग फैक्टर, जो वाकई लिमिटिंग फैक्टर है, वो ढूंढना पड़ेगा। इसको ढूंढने के लिए हमें काम ये करना पड़ेगा कि एक तरह से डबल सवाल, डबल तो खैर नहीं है, एक एक लाइन ही बढ़ेंगी, चूंकि एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर है ना, तो हमें हर लिमिटिंग फैक्टर पे, जैसे ये है तो कंट्रीब्यूशन पर आर निकालना पड़ेगा और उसकी बेस पे रैंकिंग करनी पड़ेगी। जैसे फर्ज करते हैं कि जो प्रोडक्ट ए है, कंट्रीब्यूशन पर आर, कंट्रीब्यूशन पर आर इस पे 8 रुपए है और इस पे 6 रुपए है। कंट्रीब्यूशन पर केजी, अच्छा अभी मैंने डाटा में चेंज कर दिया, क्या क्या किया मैंने, मटेरियल को भी कम कर दिया ना, तो अब दोनों लिमिटिंग आ गए। अगर मल्टीपल लिमिटिंग है तो क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर केजी निकलता है 11 और ये निकलता है 9, कंट्रीब्यूशन पर आर के हिसाब से अगर देखें तो पहली पोजीशन किसकी है, ए की, और अगर कंट्रीब्यूशन पर केजी देखें तो फिर भी एक ही ये शाख है, और अगर अब अगर मटेरियल की बात करते हैं तो बी बेहतर है, लेबर के हिसाब से बात करते हैं तो ए बेहतर है, तो ये दूसरी शाख हो गई। यानी हम दोनों लिमिटिंग फैक्टर के लिए, या अगर दो से भी ज्यादा हैं, दो से ज्यादा तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, दो बहुत हैं, दोनों के हिसाब से रैंकिंग देखेंगे। अगर दोनों के हिसाब से रैंकिंग सेम है, जो मैंने इसे पहले लिखा था, तो मसले का हल कुछ और है, और अगर दोनों के हिसाब से रैंकिंग फर्क है तो मसले का हल कुछ और है।
अगर प्रोडक्ट की रैंकिंग फर्क है तो ये आपकी औकात से बाहर है। इसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है और ये आउट ऑफ कैफ 8 है। ये यहां जगह कम रह गई, आप लिख लें कि ये आउट ऑफ कैफ 8 सिलेबस है, ये BFD है। इस शाख के साथ लिख लें कि ये आउट ऑफ कैफ 8 है, ये BFD में पढ़ेंगे। और इसके लिए क्या करना है, ये मैं आपको एक सवाल से सिखा देता हूं, फिर जब सवाल से समझा चुका हूंगा फिर लिखने में आसानी होगी। तो कितनी कोई जगह चाहिए होगी इसके लिए, 4-5 लाइनें चाहिए होंगी। तो आप वो 4-5 लाइनें छोड़ दें और एक सवाल करते हैं, सवाल करके समझ आ जाएगा कि यहाँ क्या करना है, फिर वो यहाँ लिख लेंगे। सवाल पढ़ लीजिए आप लोग। देखो उसमें स्प्रिंग 2014 का सवाल है डिसीजन मेकिंग में। जी इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक नहीं, दो डॉट से ऊपर भी एक जुमला लिखा हुआ है। क्या है, हाँ सही है, ठीक यही है। राइस की बुक में पेज 664 क्वेश्चन नंबर 7, साइंटिफिक केमिकल्स लिमिटेड, और जिनके पास पैक की बुक है पेज 422 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 10। ये स्प्रिंग 2014 का सवाल है, इसको पढ़िए, मैं बोर्ड पे करता हूं। हैं जी पढ़ भी मैं ही दूं। ठीक है जी। अच्छा इसमें तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये इस टॉपिक का सवाल भी है जो मैंने भी लिखवाया कि नहीं, होगा तभी तो करा रहा हूँ, लेकिन कैसे पता चल रहा है। एंड पे दो फैक्टर्स हैं जिनमें कुछ मसला है,
एक मटेरियल बी है, इसकी भी लिमिटेड सप्लाई अवेलेबल है, और एक स्किल्ड लेबर है, इसकी भी लिमिटेड सप्लाई अवेलेबल है। तो अब यहां पर दो मसले आ गए, तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई दो मसले हैं या धोखा ही है। जिस तरह अभी मैंने यहां चेक किया था ना, वैसे चेक कर लेते हैं। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो ही बोर्ड पे समझाने का फायदा है। सवाल पढ़ा करें आप लोग बहुत ध्यान से या मैं रीड करके देखा। अच्छा, मुझे ना किसी बच्चे ने कहा था कि सर आप क्वेश्चन रीड भी करके दिया करें, तो आप बड़े हैं, आप बड़े हो गए हैं, बड़े कब होंगे आप, बड़े हो जाएं सर, ये बात अब मैं 3 बार बता दूंगी, है चौथी बार अच्छा तो मैं क्या रीड करके दूं यार, आप लोग रीड किया करें। हाँ, अगर कोई मसला होता है तो मैं समझाता हूँ ना आपको, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें इस तरह से लिखा हुआ था, तो रीड तो आप खुद ही किया करें। तो बाजाहिर इसमें दो फैक्टर्स हैं जिनमें कोई लिमिटेशन है, चेक कर लेते हैं। एक है मटेरियल बी, मटेरियल बी, मटेरियल बी के लिए रिक्वायरमेंट है कितनी, यानी अगर हम ये दोनों प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी कर लेते हैं तो कितना मटेरियल बी चाहिए होगा। C31 कुछ हमने लोकल बेचने हैं, कितने और कुछ एक्सपोर्ट करने हैं, कितने 45, तो 65 हो गया, 65,000 यूनिट C31 बनाने हैं फिर, और एक यूनिट बनाने के लिए कितने किलो चाहिए होते हैं मटेरियल बी, 3.5 kg चाहिए होते हैं। तो C31 के लिए फिर कितने किलो लग जाएंगे, ये जिनको 65,000 समझ नहीं आया, हमने 40,000 लोकल बेचने और 25,000 एक्सपोर्ट करने, तो 65 बनाने हैं ना टोटल, 227,500। फिर इसके अलावा D32 लोकल कितने बेचने और एक्सपोर्ट, तो 74,000 हमने बनाने और एक के लिए 2.6। एक 92,400। तो टोटल कितने किलो मटेरियल बी के चाहिए होंगे। अच्छा, इसमें आपने ना पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इस चीज पे बड़ा एहतियात से पढ़ना होता है। जो आपको ऊपर टॉप पे पॉइंट नंबर 1 क्या वर्ड लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 एनुअल, एनुअल। इसी तरह रिक्वायरमेंट में क्या है, डिटरमिन फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी हम साल का सवाल कर रहे हैं, जबकि पॉइंट नंबर 4 के नीचे जो बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है उसमें कितना मटेरियल अवेलेबल है, 27,700 किलो पर मंथ। इन चीजों का बहुत ध्यान रखा करें कि कहां पर आपको जो फिगर गिवन है वो पर मंथ है, पर क्वार्टर है, सवाल किसका कर रहे हैं, एनुअल का कर रहे हैं, क्वार्टर का कर रहे हैं, इन चीजों का होश रखा करें। तो हमें मटीरियल चाहिए होगा 19,900, जबकि अवेलेबल कितना होगा, यानी अवेलेबल से मराद है कि सप्लायर से अगर हम खरीदें तो सप्लायर ने भी तो कहीं से लाना ही है ना, तो उसके पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, 27,700 तो है पर मंथ, और साल में होते हैं 12 महीने, 32,400। तो ये तो लिमिटेड है। अब चेक कर लेते हैं स्किल्ड लेबर को, स्किल्ड के अनस्किल्ड, स्किल्ड, स्किल्ड लेबर चेक करते हैं। स्किल्ड लेबर की
जो रिक्वायरमेंट है आर्म्स में, C31 हमने 65,000 बनाने, और एक के लिए कितने घंटे चाहिए होते हैं स्किल्ड लेबर के? 2.4। और D32 के लिए 2। तो C31 कितने घंटे ले जाएगा? 156,000। और ये 148,000। तो टोटल कितने घंटे चाहिए? 104,000। जबकि सारे लोग काम पे लगा लें तो पूरे साल में कितने घंटे अवेलेबल होंगे? काफी सारा कुछ लिखा हुआ है ना, क्या क्या लिखा हुआ? 35 लोग हैं, एक महीने में 25 दिन काम करेंगे, और 8 घंटे की एक शिफ्ट होगी, और 3 शिफ्टों में काम करेंगे, यानी 24। तो क्या करूं मैं, इनटू 24 कर दूं? कैसे करूं? देखें, करें जरा कैलकुलेट करें, पढ़े अंग्रेजी पढ़ें और सारे कैलकुलेट करें। चले मैं रीड कर देता हूं। ओनली 35 स्किल्ड वर्कर्स विल बी अवेलेबल फॉर ईच शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, वाइल फैक्ट्री विल बी ऑपरेटेड फॉर 25 डेज इन अ मंथ ऑन 3 शिफ्ट बेसिस, फुल स्टॉप। पहले होगा डॉट भी नहीं पढ़ा। हाँ जी, कितने आते हैं? 2,52,000 आ रहे हैं, तो थोड़े हैं, ज्यादा हैं, थोड़े हैं। तो क्या करूं, 35 × 25 इंटू 24 इंटू 12 बस। पैंतीस लोग हैं और पूरे दिन में मिला के 24 घंटे काम हो रहा होगा, क्योंकि 8 घंटे की 3 शिफ्ट है, 10 का पूरे 24 घंटे काम हो रहा है। तो 35 लोगों के एक दिन के घंटे इंटू 25 महीने के घंटे इंटू 12 पूरे साल के घंटे कितने? 2। तो अब हमें यहां से नजर आया कि ना ही लेबर आर पूरे पड़ रहे हैं तो ना ही मटेरियल बी पूरा पड़ रहा है, तो मल्टीपल फैक्टर हो गए। चले आगे चलते हैं, अब हम निकालते हैं इनकी रैंकिंग। C31 और D32 ये दो प्रोडक्ट हैं, सेल प्राइस कंट्रीब्यूशन निकालनी है ना, तो सेल प्राइस दोनों की अलग है, C31 D32 की अलग ही होनी है।
हाँ जी, लोकल और एक्सपोर्ट अलग आ गई, तो यहां पर कौन सी लिखूं मैं, दोनों के अलग अलग, यानी फिर चार कॉलम बनाओ। C31 लोकल की सेल प्राइस और है, एक्सपोर्ट की और है। D32 लोकल की सेल प्राइस और है, एक्सपोर्ट की और है। हम यकीनन इसके चार कॉलम ही बनाते, यानी C31 लोकल, C31 एक्सपोर्ट, D32 लोकल, D32 एक्सपोर्ट, हम यकीनन चार कॉलम बना के करते, यकीनन ऐसा ही करते। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू टर्मिनेट द एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट सेल्स तो करनी ही है, कमिटमेंट हो गई। हम ये रैंकिंग कर ही क्यों रहे हैं, ताकि ये डिसाइड करें कि रैंकिंग की बेस पे कौन सी प्रोडक्शन करनी है कि नहीं करनी। तो एक्सपोर्ट तो करनी ही करनी है, तो जब एक्सपोर्ट करनी ही है तो एक्सपोर्ट की रैंकिंग करके क्या करना, तो इसलिए एक्सपोर्ट की रैंकिंग नहीं कर रहे। हाँ, अगर ये होता ना कि हमने 200 यूनिट एक्सपोर्ट करने हैं, बस 200 यूनिट्स लाजमी एक्सपोर्ट करने हैं, उसके अलावा मर्जी है करने हो तो कर देना, फिर हम चार कॉलम बनाते, क्योंकि बाकी भी तो एक्सपोर्ट्स और करनी होती ना, हो सकता करते हो सकता ना करते, फिर हम चार कॉलम बनाते। लेकिन उसने कहा है कि एक्सपोर्ट सारी करनी है, तो जब एक्सपोर्ट्स करनी है तो फिर उनकी रैंकिंग नहीं निकालनी, तो इसलिए मैं सेल प्राइस लोकल वाली लिखूंगा। मटेरियल ए, मटेरियल ए पर किलो दिया हुआ है ब्रैकेट डब्बे के अंदर, और आगे उसके किलो बताए हुए हैं, तो किलो को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 और 75। डायरेक्ट मटेरियल ए जहां लिखा है, साथ लिखा है ना 25 रुपए पर किलो, और आगे किलो बताए हुए, तो अभी पिछले सवाल में भी ऐसे ही किया था, अभी नहीं कल बॉक्स सेट वाले सवाल में, तो किलो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह मटेरियल बी है, इसके भी किलो बताए हुए और किलो का रेट बताया हुआ है 60 रुपए किलो, 210, 156। इसी तरह से जो स्किल्ड लेबर है उसका रेट बताया हुआ है 250 और आगे आर्स बताए हुए, मल्टीप्लाई कर लें, स्किल्ड लेबर 600, 500, और क्या है, सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड में भी ऐसा ही है कि आपको रेट बताया हुआ है और आगे टेबल के अंदर आर्ज बताए हुए हैं, तो ये 120 पर आर वाले लोग हैं, 600, 375। और वेरिएबल वो वैसे ही पर यूनिट बता दिया, वेरिएबल ओवरहेड 125 और 60। और कोई वेरिएबल खर्चा, बस यहां से इनकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगी, टू डबल फोर, मुझे नहीं पता,
देख लो, चेक कर लो। गलत है जी। क्या गलती की थी? बाकी ठीक है। अब जो आंसर निकल आया है इसकी बेस पे रैंकिंग कर दूं, फिर क्या करूं? अब देखें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आया। मैंने भी जब ये सवाल शुरू करने से पहले बताया था कि जाहिरी तौर पे दोनों लिमिटिंग हैं, तो दोनों पे हम रैंकिंग निकाल के चेक करेंगे। 330 और 319, ठीक है। चूंकि दोनों फैक्टर लिमिटिंग है ना, दोनों फैक्टर लिमिटिंग है, तो इसलिए हम दोनों पे बारी बारी रैंकिंग करके देखेंगे। काम बढ़ जाएगा, दो लाइनें बढ़ जाएंगी। कैसे? पहले मैं, या खैर है, मटेरियल बी करने लगा हूं। मटेरियल बी, इसके लिए कितने किलो चाहिए? 3.5, और इसके लिए 2.6। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना हुआ? सात। एक ये हो गई जिसकी बेस पे रैंकिंग करनी है। क्या रैंकिंग बनी? ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहां तक हम नॉर्मल सवाल करते हैं ना। दो लाइनें और हैं इसमें। स्किल्ड लेबर कितना चाहिए? 2.4 और 2। कंट्रीब्यूशन पर आर निकाल लें। 330 डिवाइडेड बाय 2.4, 137.5, 165। दूसरा हम इसकी बेस पे रैंकिंग कर देते हैं। इसमें कौन फर्स्ट है? अगेन, अगर रैंकिंग बदल जाती तो फिर ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, फिर आपके बस का सवाल नहीं है। तो चूंकि आपको आया हुआ है तो आपके लेवल का है, तो आया हुआ। तो नॉर्मल सवाल से हटके यहां पर क्या हुआ? ये दो लाइनें एक्स्ट्रा आ गई, और उससे पहले हमने वो रिक्वायरमेंट चेक की थी कि लिमिटिंग वाकई है या धोखा ही है। अब इस मसले का हल क्या करना है वो समझ लें।
नोट करें फिर मैं मिटा के करता हूँ। नोटेड, मिटा दूं। जिस तरह नॉर्मल सवाल करते हैं उससे ये दो लाइनें ज्यादा हुई हैं, बाकी वैसी किया है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाने के दो तीन तरीके हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूं। हम दो प्लान बनाएंगे, एक बार लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल बी को मानते हुए और एक बार लिमिटिंग फैक्टर लेबर को मानते हुए। दो प्लान बना रहा हूं, थोड़ा काम बढ़ गया लेकिन अब है सवाल तो करना तो है। एक प्रोडक्शन प्लान है मटेरियल बी के मुताबिक, प्रोडक्ट यूनिट्स मटेरियल के केजीज रिक्वायर्ड और बैलेंस। मटेरियल बी कितने किलो टोटल अवेलेबल होगा साल में, अभी निकाला था साल सवाल के शुरू में 3,32,400, ये अवेलेबल था कि रिक्वायर्ड था? अवेलेबल था। कोई कमिटमेंट है? जी पहले कमिटमेंट पूरी करेंगे एज पर कमिटमेंट। क्या कमिटमेंट है? एक्सपोर्ट। तो C1 हमने एक्सपोर्ट करना है, C31 कितना? 25,000। कितने किलो लग जाएंगे? एक पे लगते हैं 3.5 किलो, तो 25,000 पे कितने किलो लगेंगे? 87,500। और एक हमने करना है D32 एक्सपोर्ट, कितने एक्सपोर्ट करने हैं? 24,000 शायद। एक D32 पे 2.6 किलो लगते हैं, तो 24,000 पे कितने किलो लग जाएंगे? 62। पक्की बात है? चलो सही कह रहे होगे। तो फिर बाकी कितने रह जाएंगे? जी जी एक 82,500 इतने रह जाएंगे। अब रैंकिंग पे आ जाते हैं। पहले कौन सा बनाए? पहले D32 बनाते हैं लोकल। कितने बनाने लोकल? 50 नहीं है? 50,000 है और एक के लिए 2.6 किलो लगते हैं, तो टोटल कितने लगेंगे?
कितने रह जाएंगे, 52,500। इस 52,500 से जितने भी हम सी 31 बना चुके हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। कितने सी 31 बना सकते हैं, 52,500 डिवाइडेड बाय 3.5 कितने बना लेंगे, 15,000। एक ये प्लान है, एक और प्लान बनाना पड़ेगा अभी समीर उस पर ही रहना। स्किल्ड लेबर के हिसाब से प्रोडक्ट यूनिट्स आर्स चाहिए कितने होंगे और बच कितने जाएंगे। ये कितने से शुरू करूं, ये पॉज करके लिख लीजिएगा, इधर आ जाए 250,000। ये हमने शुरू में निकाले, में पहले हम करेंगे एज पर कमिटमेंट। पहले बनाएंगे C31 की एक्सपोर्ट 25,000, कितने आर्स लग जाएंगे, 2.4 के हिसाब से 60,000। और D32 एक्सपोर्ट कर लेंगे 24,000, और 2 घंटों के हिसाब से 48,000। तो 1,08,000 निकाल दें तो बाकी रह जाएगा 144। इसके बाद हम रैंकिंग के आएंगे, एज पर रैंकिंग। रैंकिंग में पहला नंबर है D32 का 50,000, कितने घंटे खा जाएगा ये, 120। बाकी रह जाएंगे 24, और 24,000 में हम कितने C31 बना सकेंगे। नहीं यार, कुछ गलती की आप, ये 120 कैसे आ गया, एक के लिए कितने घंटे लगते हैं, 44,000 में कितने C31 बना लेंगे, 2.4 के हिसाब से 18,000 जी। इन दोनों में से कौन सा प्लान हमारे लिए ऑप्टिमम प्लान है, अभी नहीं पता, पता चल रहा है। अगर मटेरियल बी को सामने रखें तो हम इतने यूनिट्स बना सकते हैं, यूनिट्स का ही प्लान है ना, और किसका प्लान है। रैंकिंग तो पता चल गई, रैंकिंग तो कर ली, तो अब इस प्लान और इस प्लान में से कौन सा बेहतर है। यहां पर ज्यादा यूनिट्स बन रहे हैं, ये एक जज्बाती जवाब है, मैंने पूछा इसलिए था ताकि आप जज्बाती जवाब दें। बात इन दोनों में से बेहतर की नहीं है, बाद इन दोनों में से पॉसिबल की है। मटेरियल बी ही खत्म हो जाएगा 15,000 यूनिट्स बने होंगे तो। दोबारा देखें, ये प्लान मैंने मटेरियल बी के हिसाब से बनाया है, यानी मैंने मटेरियल बी को लिमिटिंग रख के इतने यूनिट सोचे। अब जब मटेरियल बी को लिमिटिंग रखा है तो फिर सिर्फ मटेरियल बी ही को लिमिटिंग रखा है ना, बाकी लिमिटेशन सब इग्नोर कर दी। ये टेबल बनाते हुए क्या किया, स्किल्ड लेबर ही को सिर्फ लिमिटिंग रखा, बाकी इग्नोर कर दिया। मैंने यहां कहां लिखा है मटेरियल बी, यानी मटेरियल बी लिमिटिंग नहीं है।
तो ये टेबल जब हमने स्किल्ड लेबर के हिसाब से बनाया तो हम ये देख रहे हैं कि अगर बाकी कोई मसला ना हो तो स्किल्ड लेबर कितना चल जाएंगे। ये टेबल मटेरियल बी को सामने रखा है और बाकी कोई मसला ना हो तो इतने बन जाएंगे। ये तो हो गया मटेरियल बी इग्नोरिंग बाकी, स्किल्ड लेबर इग्नोरिंग बाकी, जबकि असल में इग्नोरिंग बाकी तो नहीं हो सकता। मटेरियल बी भी लिमिटिंग है, स्किल्ड लेबर भी लिमिटिंग है। तो इससे पहले कि लेबर आर्स खत्म हो, मटेरियल बी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेबर आर खत्म होने थे जाके इतने यूनिट्स बना के, और मटेरियल खत्म हो जाना है 15,000 यूनिट्स बना के। देखें आपके मोबाइल की बैटरी अभी इतने परसेंट है कि 1.5-2 घंटे निकाल सकती है, यानी आप 1.5-2 घंटे की भी कॉल कर सकते हैं, इतनी बैटरी है, लेकिन बैलेंस ही सारा 1/2 घंटे का। तो अगर कॉल कर लेंगे तो 1/2 घंटे में कॉल कट जाएगी। अब वो कॉल किस वजह से कट रही है, बैटरी की वजह से नहीं, बैटरी की नौबत आने से पहले ही कॉल कट गई। तो अगर दो मसले हैं तो असली मसला कौन सा है, क्या फैसला करें, कैसे फैसला करें, कैसे क्या लिखें इसके लिए, अब यहां पर क्या कहें, इन दोनों में से कौन सा असली वाला लिमिटिंग फैक्टर है जिसमें प्रोडक्शन कम हो रही है कि ज्यादा, क्योंकि बात यह नहीं है कि उसमें ज्यादा और ये वो बेहतर है, बात बेहतर की नहीं है, पॉसिबल है। तो अगर मटेरियल बी ही खत्म हो जाएगा 15,000 यूनिट्स बनाने में तो हम बाकी एक्स्ट्रा कैसे बनाएंगे। तो वो जो अभी शाख बनाई थी ना जिसपे फल नहीं लगाया था, इस सवाल की समरी सुने, इस सवाल में दो फैक्टर्स आपको मसले वाले लग रहे थे, तो हमने पहले ढूंढा कि क्या धोखा है या वाकई लिमिटिंग है, तो कैलकुलेट करके पता चला वाकई लिमिटिंग है। फिर क्या किया, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग, हर प्रोडक्ट नहीं सॉरी, हर फैक्टर के मुताबिक अलग अलग रैंकिंग की वैसी जैसे करते हैं, बस दो लाइनें एक्स्ट्रा आ गई, रैंकिंग हर फैक्टर के मुताबिक सेम निकली। अगर डिफरेंट निकलती तो फिर तो ये आपके सिलेबस का सवाल ना होता, सेम निकली। अब आगे हल क्या है इसका, हल ये है कि दो प्लान अलग अलग बनाएं, एक बार एक और एक बार दूसरे को लिमिटिंग रखते हुए, और फिर जब ये दोनों बन जाएं तो नीचे अंग्रेजी लिख दें कि चूंकि मटेरियल बी पे कम प्रोडक्शन हो पा रही है तो यही असली लिमिटिंग फैक्टर है, इसलिए मटेरियल बी वाला प्लान ही ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। आप सवाल में ये दो टेबल बनाने के बाद अंग्रेजी लिखेंगे, इन दोनों में से जिसमें कम प्रोडक्शन कर पा रहे होंगे ना, आप कहेंगे चूंकि वहां पर कम प्रोडक्शन हो पा रही है तो इसलिए वही लिमिटिंग फैक्टर है और उसी का प्लान ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। तो जो शाख बना के जगह छोड़ी थी वहां क्या लिख लें, हम वहां लिख लेंगे कि रैंकिंग तो कर ली ना, हम कहेंगे कि हर फैक्टर के हिसाब से अलग अलग ऑप्टिम प्रोडक्शन प्लान बनाए, और जिसमें प्रोडक्शन कम निकल रही हो वही लिमिटिंग फैक्टर है और वही प्लान ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। वो जो शाख की जगह खाली छोटी थी फल की, वो फल बता रहा हूं, हर लिमिटिंग फैक्टर पे बारी बारी प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, और जिस प्रोडक्शन प्लान में कम प्रोडक्शन हो पा रही होगी वही लिमिटिंग फैक्टर होगा और वही प्लान ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होगा। ये इग्नोर, ये इस शाख पे लिख लें, और इस सवाल के सॉल्यूशन में भी कंक्लूजन आ जाएगा सिंस
सवाल की कंक्लूजन आ जाएगी कि चूंकि मटेरियल बी वाले प्लान में कम प्रोडक्शन हो पा रही है, इसलिए मटेरियल बी ही रियल लिमिटिंग फैक्टर है और इसी का प्लान ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। कल मैं मेक और बाय कराऊंगा, तो इसलिए इसका एक सवाल होमवर्क कर दें। राइस की बुक में देखिए, ऑटम 2011 है, सीगल लिमिटेड। है एक सवाल दे रहा हूं होमवर्क, मुनासिब सवाल है, ओवरहेड्स वाला, फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, जो मैंने कल क्लास में खुद से सवाल किया था ना बॉक्सेट वाला, उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए थे, उससे परार निकाला था, अब परार दिया हुआ है उससे वापस जाना पड़ेगा। सीगल लिमिटेड के नाम से सवाल है, पैक की बुक में पेज 425 प्रैक्टिस क्वेश्चन 28 ऑटम 2011 का सवाल है, और राइस की बुक में पेज 666 पे क्वेश्चन नंबर 11 सीगल लिमिटेड का नाम से सवाल है। अच्छा रीजनेबल सवाल है, हो जाएगा, इस टॉपिक का नहीं है, इससे पिछला ही है, यानी वही जो इस सवाल से पहले पहले जो किया है ना वैसा सवाल है। फिक्स्ड ओवरहेड्स का अच्छा पॉइंट है, मैंने बताया भी है, जो मैंने कल बॉक्सेट वाला सवाल कराया था उसमें टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए थे, हम पर आर तक आए थे, अब पर आर दिए हैं वहां से टोटल तक जाना है, ये एक अच्छा पॉइंट है इसमें, ये सवाल करके आइएगा। कल फिर मैं तीसरी टाइप ऑफ डिसीजन कराता हूं, तो आपके अब तीन सवाल होमवर्क हो गए FAR 2 के अलग है। अबू दाऊद में रिवायत है, ये जब दोस्तों की गैदरिंग है या वैसे ही कोई गैदरिंग है, ये उस पर एप्लीकेबल है बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, हलाकत है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए। यह आपसे सल्लम की एक, ये भी एक आदत थी कि जिसपे बहुत ज्यादा फोकस करना होता था बात पे, तो उसको 3 दफा रिपीट करते थे। फिर दोहरा रहा हूं, आप सबने फरमाया हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, हलाकत है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए। क्योंकि जब कोई
किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलता है ना, तो उस झूठ से वाह वाह होती है, लोग हंसते हैं, तो उसको लगता है मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, तो वो इसको अच्छा समझने के लिए वो फिर झूठ 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 और बोलना शुरू कर देगा, और फिर वो झूठ में और उतरना शुरू कर देगा, तो फिर हलाकत है, फिर बर्बाद हो जाना उसने, फिर झूठ 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 इतने ज्यादा होते जाना है। तो हंसाने के लिए झूठ बोलना ये जायज नहीं है। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।